अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं पॉप रिएक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे इंशाल्लाह। और सुनाएं नई ताज़ी फिट वाट है ना। आज आपका भाई एक बहुत ही रोमांचिक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो जो टाइटल है वो है जी गिफ्ट सिटी, इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी। तो उसके ऊपर देखते हैं भाई मेरे कि क्या चीज़ है यार गिफ्ट सिटी। अच्छा, ये एक जगह का नाम जो एक उन्होंने डेवलप किया है एक एरिया, उसका नाम गिफ्ट सिटी है। तो देखते हैं वीडियो, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो करते हैं लेट्स स्टार्ट। साल 2007 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात के अंदर ही बनाने का प्रपोज किया था, जहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज अपना सेटअप यहाँ पे लगाए। इस शहर को बनाने का मोटिव था यहाँ पे सभी ग्लोबल कंपनीज अपना ऑफिस ओपन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब कर पाएंगे। फ्यूचर को ध्यान में रखकर इस शहर को प्लान किया गया था और उसके मुताबिक आर्किटेक्ट द्वारा एक परफेक्ट प्लान बनाकर शहर को बसाया गया, जिसका नाम दिया गया है गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए देख रहे हो सब कुछ ओरिजिनल है। और यहाँ पे काम काज भी शुरू हो चुका है। गिफ्ट सिटी के अंदर अभी भी कई सारी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आने वाले समय में फेज 2 में कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगा। गिफ्ट सिटी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 120 से लेकर 130 मीटर से ज्यादा हाई स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स बनाने के ऊपर रोक लगाया था। इसके अलावा गुजरात एक अर्थक्वेक रिस्क जोन होने के वजह से भी पूरे गुजरात में ज्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बनाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था गवर्नमेंट के तरफ से, लेकिन हाल ही में इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। अब गुजरात में कहीं पर भी 75 करोड़ का टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाया जा सकता है। ये गिफ्ट सिटी पर भी एप्लीकेबल है, तो आगे आने वाले समय में हम गिफ्ट सिटी के अंदर भी टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे। गिफ्ट सिटी को एक इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पर बनाया जा रहा है, इसलिए शहर को इंटरनेशनल फैसिलिटीज के साथ डेवलप किया जा रहा है। शहर की रोड्स भी काफी वाइड बनाया गया है और लगभग सभी रोड्स बनके तैयार हो चुका है। शहर के अंदर स्कूल, इंस्टीट्यूट, होटल्स, मैनेजमेंट बिल्डिंग्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस, डेटा सेंटर बन चुका है और कई सारी कंपनीज के ऑफिस जो ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा यूनिट्स एंड कंपनीज एस्टेब्लिश हो चुका है, जहाँ पे करीब 10,000 से 12,000 से भी ज्यादा लोग जॉब कर रहे हैं। स्मार्ट मैनेजमेंट के तहत सारे केबल्स, ऑप्टिक फाइबर, वाटर, गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड से कंप्लीट कर दी गई है। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी के अंदर कंप्लीट कर दी गई है। गिफ्ट सिटी बहुत ही वेल कनेक्टेड है। यहाँ पे अहमदाबाद मेट्रो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस टर्मिनल एंड दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से इंडस्ट्री को ग्रो करना बहुत ही आसान है गिफ्ट सिटी के अंदर। और इसी विजन के साथ गिफ्ट सिटी को बनाया गया है। गिफ्ट सिटी 886 एकड़ लैंड पर फैला हुआ है, जहाँ पे स्कूल, कॉलेज, रेजिडेंशियल एरिया, जिम, होटल, हॉस्पिटल भी शामिल है आईटी एंड बिजनेस इंडस्ट्री के साथ साथ। शहर में सिर्फ कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स ना हो इसलिए ग्रीनरी की ओर खास ध्यान दिया गया है, जहाँ पे प्लानिंग के साथ पेड़ लगाया गया है। शहर में बिजली प्रोडक्शन किया जा रहा है ताकि शहर में इलेक्ट्रिसिटी में कोई कमियां ना आए। सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है जिसे स्मार्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सिंगल विंडो सॉल्यूशंस के मदद से बिजनेस मैनेजमेंट हर जगह पे नजर रखते हैं गिफ्ट सिटी के अंदर। इसी तरह 2007 में प्रपोज किया गया गिफ्ट सिटी आज के दिन रियलिटी में डेवलप्ड हो चुका है। ऐसी इंडस्ट्रियल सिटी बनने से ना सिर्फ गुजरात को बल्कि हमारे देश इंडिया के लिए भी फायदेमंद है। इससे इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट मिलेगी जिससे हमें इकोनॉमी से फायदा मिलेगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आगे आने वाले ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट अपडेट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वेल यार, गिफ्ट सिटी का नाम ही सुन के ना मुझे लगा कि यार ये वाकई में भी एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। और ये अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है यार। यानी कि एक फॉरेन के लिए, कंट्रीज के लिए बनाया गया है ताकि बाहर से आए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके। इससे क्या होता है कि मुल्क की जो इकॉनमी है वो बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ की इकॉनमी तो वैसे भी बहुत ही अच्छी है इंडिया की, और इस तरह की जो बाहर से आगे इन्वेस्टमेंट और अगर यहाँ पर बनाना चाहें तो उनके लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी हो
यार वो तो समझते हैं कि यार बस हमारे लिए तो यही जगह है, वो तो हमारे पास एक ऑप्शन है पाकिस्तान में बेली टाउन के नाम से। किसी दिन मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही हाई क्वालिटी की जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन होती है और बहुत ही जबरदस्त है। अक्सर जो इंडिया के रिएक्शन वीडियोज हैं वो जो अगर पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करते हैं तो मैंने उनकी चैनल पर काफ़ी देखे कि वो बहुत ही पसंद करते हैं बेली टाउन को, क्योंकि वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। और यार हम भी उम्मीद करते हैं कि यार फॉरनर्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में भी आए और आहिस्ता आहिस्ता आएंगे इंशाल्लाह। इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं और रोड या रिवर और कमाल के यार, आई लव इट। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।